हे गाइज नमस्कार जय जगन्नाथ आपण प्रिय चैनल ओडिशा चाय को स्वागत करुच्चे भिडियो आपको जानवी कि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन जहाँ को ओपीएससी वाली कहुता है ए बहुत सारा वैकेंसी अच्छी जोटा कि असिस्टेंट प्रोफेसर अच्छी डिफरेंट स्टेट पब्लिक पीएससी गुड़ाक मैंने आप स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी मानक अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ ये वैकेंसी गुड़ाक बाहर बहुत सारा वैकेंसी अच्छी आपने इंटरेस्टेड अच्छा डेफिनेटली भाव में भिडियो को देखु ओवेटा डिटेल जानतु कि भाव में आप्लाई करेंगे आमती यार प्रोसेस सब रही था ओके तो चलो भिडियो को स्टार्ट करदे सो गाइज वैकेंसी आपको जो भाव में कही कि ओपीएससी तरफ बाहर जोड़ा कि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन तरफ एथेर जो वैकेंसी बाहर जोड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी ओके यार ओरिजिनल वेबसाइट जो आप चाहते ओपीएससी डॉट जीओवी डॉट इन यार होची ओरिजिनल वेबसाइट आउ यार जो एप्लीकेशन स्टार्ट होची ताको आपण मान कहि परे कि 15/2/2021 स्टार्ट होई कि 14/3/2021 पर्यंत चलिबे जोडा कि मार्च मास 14 तारीख पर्यंत हा चलिबा को जाउची आउ तरे सैलरी भी बहुत भलो मिलिया को जाइची आउ एतरे तो कहबा कि वैकेंसी पोजीशन एतरे बहुत सारे वैकेंसी बाहरची यूनिवर्सिटी वाइज इनक्लूडिंग रिजर्वेशन स्टेटस जमीते कि पीडब्ल्यूडी सीएसटी ओबीसी कैंडिडेट मानक बहुत सारा बेनिफिट होगा चाहूँ एज लिमिट कथा कह एक वर्ष रु ऊर्ध आपर एज होती है दरकार 1/1/2021 को कैलकुलेट कले आम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपरे गोटे मास्टर डिग्री रही थी दरकार 55% आपर मिनिमम मार्क रही दरकार निजर एजुकेशन डिग्री एसत आपरे फुलफिलिंग द एब एजुकेशन जो आप फुलफिल कलापर आपरे एनी जोटा को एनईटी स्कोर रही थी दरकार जोटा कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंने आपँ को क्लीयर कर दरकार आपल हिंस कनसीडरेसन होगा जाके देन कथा कि आउ कौन कौन जिनस दरकार ठीक अच्छे आदि आपखे जो पी एच डी डिग्री अच्छे देन इट्स गुड देन पी एच डी भाईबा भयस आपर दरकार ये भाव में बहुत सारा जिनस अच्छी तेज आसतु बड़ी भाव अलग कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे ये आपरे प्रथम तो है इंडिया हो दरकार आपरे मोर दैन वन वाइफ न होता दरकार ए सहित गवर्नमेंट सर्वेंट जब आपने तेज आपंस रेस्पेक्टिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको एनओसी सर्टिफिकेट आने को पड़े जोटा कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ताको आपको आणिकी सबमिट करार अच्छी ओके बाकी मेथड ऑफ सब सिलेक्शन केमती होगा जाऊँगी एटा केमती है प्रोविजन लेट डाउन अंडर द स्टेट स्टेचुएस आज आप्लिकेबल स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी गुड़िक हिसाब से यह जाऊँगी ओके इंटरव्यू हिसाब से ओके द कमिशन हैज डिसाइडेड दैट 5 times द नंबर ऑफ वैकेंसी शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू व्हेन द नंबर ऑफ वैकेंसी इज मोर देन 2 ओके दी थर रु अधिका हेल्ले 5 times आपण मानकर वैकेंसी गुड़ाक शॉर्टलिस्ट करा जिए को जाय जाउची 10 candidates शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू भाई बहुत बड़ो टाइप रो इंटरव्यू कहीं ना इधर बहुत भल पर आपको भी सैलरी मिले जाऊँगी जो आपे कि आप्लिकेशन फी आपको 400 नॉन रिफंडेबल रोटा कि डेफिनेट भाव में समस्त एक्सेप्ट एससी एसटी कैंडिडेट मानक एससी एसटी कैंडिडेट ऑफ ओडिशा मानक यह रही ना आउ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आम कौन सी प्रकार फी पेमेंट कराया पड़ा ना ओके ये फीटा आपने पेमेंट करेंगे जनरल कैटेगोरी पे आपर नॉन रिफंडेबल फी र केबे भी आशा करूँ कि रिटर्न होपर ओके देन आसतु बढ़िया नेक्स्ट सर्टिफिकेशन कौन कौन दरकार एच एस सी सर्टिफिकेट दरकार इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट प्लस टू सर्टिफिकेट बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट पीजी डिग्री सर्टिफिकेट दरकार एमफिल सर्टिफिकेट दरकार डॉक्यूमेंट इन द सपोर्ट ऑफ नीट क्वालिफाइड नीट एग्जाम जो कही नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सही एग्जाम हिसाब से आपर रिजल्ट होता दरकार देन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मानक तो भल व्यवस्था रही आउ रिजेक्शन जब आप किसी भी भूल करेफिनेटली भाव में आपको रिजेक्ट होगा जो देन आपने भाव में आप्लाई करने गोटे लिंक अच्छी जोटा कि opsc.gov.in लिंक यार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए डेफिनेटली भाव में ओके आपतु से रजिस्टर करूँ आपण मानक यार मान यार पूर्ण सहायता मिलवाक जाऊँगी ओके ओपनिंग डेट आउ लास्ट डेट ता विषय भी जान दिखाँ 15/2/2021 आप्लिकेसन फी ओपनिंग डेट हो 14/3/2021 पर्यंत चलो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप्लिकेसन आप 22/3/2021 पर्यंत आपण मैंने चली
ଠିଆ ହେଇପାରେ ଓକେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ନାହିଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ବାହାରିନି, ଏଥିରେ ତଳେ ବାହାରିବ ତଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେବି ଏଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓକେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରୁଛି, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବାୟୋଲୋଜି ବେଙ୍ଗାଲି ଟିଚର ସବୁଥିରେ ଲେକ୍ଚର ଏମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ଅଛି, ଏହା ଏଥିରେ ନାଁ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏତିକିଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫକୁ ଚାଲିଯିବେ ଓକେ। ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 48 ଅଛି। ଏଥିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଅଛି ଓକେ। ସୋ ଗାଇସ୍ ଏହା ଦେଲା କିଛି ଆଜିର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଆଜିର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଆଜିର କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଛି ତରଫରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।